डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, वेलकम इन SNS मैथ्स क्लास। सो आइए हम लोग अपने टॉपिक स्टैटिस्टिक्स को कंटिन्यू करते हैं, और ये स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर नंबर 5 है। हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी हम लोगों ने जो डिस्कस किया हुआ है वो मीन और मॉड को था। सो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग इस टॉपिक के अंदर मीडियन स्टार्ट करेंगे और मीडियन के बारे में डिस्कस करेंगे। सी अगेन, ये एक बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। एज यू हैव सीन इन मीन और मॉड में भी क्या था कि एक फॉर्मूला है, टेबल बनाते हैं, कैलकुलेट करते हैं, यानी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। सिमिलरली मीडियन में भी क्या है कि एक फॉर्मूला, हम क्योंकि हम मीडियन ग्रुप डाटा का स्टडी करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक सिंपल सा फॉर्मूला होगा जिस फॉर्मूले में आपको टेबल की हेल्प से वैल्यूज पुट करनी है और आंसर तक पहुंचना है। लेकिन मीडियन में दो पार्ट है, एक है इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी है। सो आज हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला वाला पोर्शन इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। सो आइए सीधे स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, मीडियन। सो हम लोगों ने, लेट अस सी कि व्हाट वी हैव लर्न इन क्लास 9th। फर्स्ट क्लास 9 में थी क्या था कि सपोज x1 x2 x3 xn ये n ऑब्जर्वेशन है, तो उसका मीडियन कैसे कैलकुलेट किया था, क्या था स्टेप हमारा, हम क्या करते थे, इन ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे। x1 x2 x3 xn को या तो हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लेंगे, एंड देन क्या करेंगे, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो n प्लस 1/2th टर्म जो है वो इसका मीडियन हो जाएगा। लेकिन अगर n इवन नंबर है तो n/2th जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनका मीन कैलकुलेट करेंगे तो हमें मीडियन मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज 20, 25, 17, 18, 8, 15, 22, 11, 9, 14 ये आपको ऑब्जर्वेशंस है, यानी हमने 9th में पढ़ा हुआ है। हम थोड़ा सा सिर्फ क्या कर रहे हैं, बिफोर वी कम टू अवर क्लास 10 सिलेबस हम थोड़ा सा 9 के सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पे अभी इसको क्या करता हूँ कि मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ। सो सबसे छोटा कौन है, 8, सो आई हैव रिटन 8। नेक्स्ट वन इज वी हैव 9, ओके 9 इज देयर। इससे बड़ा कौन है, 11, सो के 11 लिख दिया हमने। देन 14 एंड देन 15, ओके सो 14, 15, 17, 18 ना, 17, 18 इसको भी हमने इंक्लूड कर लिया है। ना अभी कौन बच गया, 22 है, 20 है, तो 20 छोटा है, 22, 25 चेक कर लीजिए, सब आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हाउ मेनी, 2 to 4 to 6 7 8 9 10, सो ऑल 10 ऑब्जर्वेशंस आर देयर। सो n क्या है यहाँ पर, n इवन नंबर है ना, n इक्वल टू 10 विच इज इवन। सो हम क्या करेंगे, 10/2 दैट इज 5th टर्म एंड 6th टर्म, ये दोनों का मीन, ओके विच वन इज द 5th वन, है ना, n बाई टू, 1, 2, 3, 4, 5 दिस इज द 5th वन। सिक्स्थ वन क्या है, ये सिक्स्थ वन हो गया। सो एक्चुअली मीडियन कैसे निकलेगा, जो फिफ्थ वन पांचवे फिफ्थ पोजीशन पे जो एंट्री है और सिक्स पोजीशन पे जो एंट्री है उसका मीन कैलकुलेट कर लेना है, 16। सो मीडियन ऑफ दिस डाटा इज 16। ये हमारा ये मेथड हम लोगों ने क्लास 9th में स्टडी किया था। नाउ अगर ऑब्जर्वेशंस की फ्रीक्वेंसीज गिवन हो, जैसे x1, x2, x3, xn ये ऑब्जर्वेशंस हैं और उनकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज f1, f2, f3, fn है। एग्जांपल के लिए जैसे ये x दिया हुआ है, f दिया हुआ है, अब मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो इस केस में हम एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें नोट करते हैं, यानी अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको मीडियन कैलकुलेट करना है तो एक टेबल बनाएंगे, जिस टेबल में हम लोग एक्स लिखेंगे, एफ लिखेंगे, और तब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने का तरीका क्या है, ये फर्स्ट लेटर 8 है ना, 8, ये 8 अपनी जगह पे आएगा और ये ऐड होते जाएंगे, 8 और 10 18, 18 11, 18 में 10 29, 16 ऐड कीजिए, सो 29 और 10 39, 6 45, अभी 35 लिखने वाले थे गलती हो जाती, 65 90, 25 ऐड करेंगे, 15 और ऐड करेंगे, सो 105, 9 ऐड करेंगे, 114, 6 ऐड करेंगे, 120। यानी क्या करना है कि अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन है जिसमें x और f दोनों गिवन है
तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा टेबल बनाएंगे जिसमें पहले एक्स को नोट करेंगे, फ्रीक्वेंसीज नोट करेंगे, एंड देन हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, पहला नंबर तो एस सच आएगा, दूसरा नंबर उस पहले में ऐड होगा और नीचे लिख देंगे, तब ये 10 इसमें ऐड होगा और नीचे लिखा जाएगा, एंड सो ऑन। अब वापस क्या कीजिए, इस एन पे जो भी हमारा एन आया है, लेट इट बी कैपिटल एन हो गया ये, क्योंकि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, सो दैट इज 120। सो क्या करना है, एन बाई टू नोट करना है, एन बाई टू कितना है 60। अब ये 60 यहां पर कहां आएगा वो चेक करना है। हमेशा क्या करेंगे, 60 देखिए 60 45 से बड़ा है लेकिन 65 से छोटा है, तो ये 60 जो है वो इस 65 में अपीयर करेगा, है ना। और अगर ये 65 में अपीयर करेगा तो इसके रेस्पेक्टिव एक्स कितना है, 5 है, सो नाउ इस केस में मीडियन हो गया 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन चलेगा, यानी हम टोटल जो यहाँ पर 120 आएगा उसको उसका हाफ कर देंगे, हाफ करने का जो नंबर आएगा उस नंबर के ठीक एग्जैक्टली बड़े वाले नंबर को मार्क करेंगे, और उसके सामने जो एक्स होगा वो हमारा मीडियन कहलाएगा। सो अगेन क्वेश्चंस कितने सिंपल हैं, एक क्वेश्चन में 9th का लिया था, ये क्वेश्चन भी मे बी आई थिंक ये दोनों में कॉमन हमें लगता है कि 9th में भी इस तरह के क्वेश्चंस थे और अभी 10th क्लास में है, कि जहां पर ऑब्जर्वेशन के साथ फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है तो कैसे करना। अब हम आते हैं उस मेन पोर्शन पे जो एक्चुअली ग्रुप, जो क्लास इंटरवल के फॉर्म में ग्रुप डाटा का मीडियन कैलकुलेट करना, जो हमारा मेजर पोर्शन है एक्चुअली। सो अगेन हियर, क्योंकि हमारे इस छोटे से सिलेबस में जो भी हम लोग स्टेटिस्टिक्स को 9th या 10th में स्टडी कर रहे हैं, सो इन सभी फॉर्मुलों के प्रूफ नहीं है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीडियन। जैसे मीडियन का फॉर्मूला यहाँ क्या हो गया, मीडियन इज एल प्लस एन बाई टू माइनस कैपिटल एफ डिवाइडेड बाई स्मॉल एफ इन टू एच, ये फॉर्मूला याद कर लेना है। और इस फॉर्मूले के अंदर एल का मीनिंग लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, स्मॉल एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, है ना, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास के ठीक पहले जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो लेंगे, और एच आपको पता ही है कि क्लास इंटरवल होता है। सो आइए इसको यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हियर इज कैलकुलेट द मीडियन, ये CBSE 2018 का क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है। तो हम एग्जैक्टली उसी तरीके से क्या करेंगे, ओके जस्ट मिनट, हमने क्या किया है, लेट अस वेट, हम लोग आगे निकल गए तो हम लोग वापस उस डाटा पे आते हैं, हेयर वी हैव, है ना, यही क्वेश्चन हमें करना है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम एक तो क्लास इंटरवल नोट करेंगे, आई थिंक आई हैव नॉट, मैंने ऑलरेडी ये नोट नहीं किया हुआ है ना, तो अभी क्या करते हैं कि यहां नोट करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, ये लिख दिया हमने क्लास इंटरवल, ये आगे फ्रीक्वेंसी, और नेक्स्ट हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। सो क्लास इंटरवल 5 to 10, ओके 10 to 15, नाउ 15 20 20 to 25, देन वी हैव 25 to 30, ओके नेक्स्ट वन इज 30 to 35, वन मोर इज देयर ना 35 to 40, लॉट ऑफ एंट्रीज आर देयर, और ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, चेक कर लेता है गलत तो नहीं लिखा है, 10 15 10 15 20 25 30 35 40 45 50, ओके व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज आर 49 133 63 15 6 7 4 2 1, ओके नाउ नोट डाउन द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 49, अब ये 133 इसमें ऐड होगा, तो जब 133 में 49 ऐड करेंगे, ये कई बार ना कैलकुलेशन को इजी बनाते हैं हम लोग जल्दी कैलकुलेट करने के लिए, मैं 49 के 50 ऐड करता हूँ, 50 ऐड करूँगा तो मुझे 183 आएगा, क्योंकि 49 था तो एक मैंने कम कर दिया, मुझे 63 ऐड करना था, ये तो मुझे पता है कि 2 और 3 5 होता है, और 18 में जब 6 ऐड करेंगे 245 आएगा, नाउ दिस टाइम 15 ऐड करना है तो ये 260 हो जाएगा, अभी छोटे छोटे नंबर आ गए 63, 7 ऐड करेंगे तो 273, नाउ 4 ऐड करेंगे तो 277, नाउ 279 और 1 मीनिंग 280, ओके नाउ नेक्स्ट वन इज, अभी हम क्या करेंगे, n हमारा हो गया 280, राइट, सो व्हाट इज n बाई टू, n बाई टू कितना होगा 140, हाफ कर दिया हमने इसका, 280 को 2 से डिवाइड किया,
अब ये 140 कहां आएगा? 140 यहां अपीयर होना है। हमने पहले n नोट कर लिया, टोटल सम। उसके बाद क्या करना है, हम इस टोटल सम से हमने 140 चेक करेंगे। अब 140 यहां पर आया, यानी ये हमारा मीडियन क्लास हो गया। जैसे ही हमें पता लग जाएगा तो उसके सामने का जो क्लास इंटरवल है उसको हम लोग मीडियन क्लास बोलेंगे, 10 to 15, राइट। अब ये जैसे मीडियन क्लास पता लग जाएगा, इसका मतलब L10 हो गया है ना, और हमारा स्मॉल f मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 133 जाएगी, और कैपिटल F जो है इसके प्रीसीडिंग दैट इज 49, और h हमारा क्लास इंटरवल 5। सी क्लास इंटरवल 10 माइनस 5 इज 5, यानी फिर वापस कर रहे हैं, हमने पता कर लिया कि 140 कहाँ आने वाला है। 140 49 से बड़ा है, यानी 182 में आएगा। सो 182 में आएगा तो इसके सामने का जो क्लास इंटरवल है उसको हम लोग मीडियन क्लास बोलते हैं। हियर इट इज। सो मीडियन क्लास का जो पहला नंबर है वो L होगा। नाउ क्या करना है, अभी हमें सिंपल मीडियन लिखना है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या था, L प्लस एन बाई टू। नाउ एक बार क्या करना है कि अगर हम को फॉर्मूले को थोड़ा सा ऐसे ध्यान दे सकते हैं कि ओके हियर इज अ फॉर्मूला, ये ना हमारा फॉर्मूला था n by 2 माइनस f, चेक कर लेना हमने सब सही लिखा है ना। सो नाउ लेट अस कम टू अवर क्वेश्चन। तो हमारा क्या हो गया, n by 2 में हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल f को माइनस करके स्मॉल f से डिवाइड करके इनटू h लिखना है। नहीं, ये क्या करेंगे, फॉर्मूले को हमने प्रीवियस सेक्शन में ये हमने एक फॉर्मूला नोट किया है, बस इसी फॉर्मूले को क्या करना है हमें यहां पर नोट कर देना है ना। अभी वैल्यू पुट करनी है आपको। वैल्यू पुट करने का मतलब कि नाउ सी व्हाट इज L, L तो 10 है, ओके okay. n by 2 क्या है ना, नाउ द क्वेश्चन इज n by 2, सो n by 2 है 140, कैपिटल F 49, स्मॉल f 133 into h, h इज 5। नाउ डू द कैलकुलेशन, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेशन इज ए सिंपल पार्ट, सो आई एम लीविंग दिस कैलकुलेशन फॉर यू, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूं। ओके, लेट अस टेक वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 50, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इफ द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज इज 90, है ना। सो आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आई थिंक यस इट इज ए क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मीडियन गिवन है और हमें पी और क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, और फ्रीक्वेंसीज का सब 90 है। तो वैसे ही कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएं, P यहां क्या लिखेंगे 15 प्लस P, यहां क्या लिखेंगे 25 प्लस P, देन इट बिकम 45 प्लस P, Q, ओके सो अब Q भी ऐड हो गया भाई इसमें, सो प्लस Q कर दो। 8 को ऐड करना है तो 53 ना, 53 प्लस P प्लस Q, और 6 ऐड करेंगे तो 59 प्लस P प्लस Q। अब इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट थिंग, हमें सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज दैट इज कैपिटल एन जो है वो 90 दिया हुआ है। तो ये 90 हो जाएगा 59 प्लस पी प्लस क्यू। फ्रॉम हेयर ये पी प्लस क्यू जो है वो बन जाएगा 90 माइनस 59, कितना होगा 31, ये नोट कर लेना है। ओके, एन अगर 90 है सो व्हाट अबाउट एन बाई टू, एन बाई टू होगा 45, दैट मीन्स समथिंग ग्रेटर देन 45। अब एक क्वेश्चन होता है कि अगर मैं ग्रेटर देन 45 बोलता हूँ, सो वेयर इज ग्रेटर देन 45, यहाँ 25 में कुछ ऐड कर रहा है ना, क्योंकि नंबर्स छोटे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि 45 प्लस समथिंग हियर वी आर गेटिंग 45 प्लस समथिंग, यानी इसके सामने का ये जो इंटरवल है इसको हम लोग बोल देंगे मीडियन क्लास। सो इस क्वेश्चन के अंदर नाउ द मीडियन क्लास इज 50 to 60, ये मीडियन क्लास हो गया। अब मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, और इसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी यानी कैपिटल एफ जो है वो जाएगा 25 प्लस पी। नाउ योर फॉर्मूला, वी नो दैट मीडियन विच इज गिवन इन दिस क्वेश्चन 50, वो कितना होता है, वो होता है L, L मीनिंग हेयर इज L, L 50 है, सी हेयर L इज 50, प्लस नाउ हेयर इज n बाई टू, n बाई टू इज 45 है ना, n by 2 45 ना, अभी आप पूरा लिखने की जरूरत नहीं। माइनस क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे 59 माइनस p माइनस q एंड द होल डिवाइडेड बाय स्मॉल f विच इज 20 इनटू h एंड h इज 10। ओके, अब ये दोनों 50 50 कैंसिल हो गया है ना, ये 2
लेकिन 2 से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. सो हेयर व्हाट यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग माइनस सिक्स माइनस पी माइनस क्यू. सिक्स नहीं, 45 में से 59 माइनस कर रहे हैं, माइनस का 14 है ना इज इक्वल टू जीरो. सो फ्रॉम हेयर वी कैन से पी प्लस क्यू इज माइनस 14. दैट इज समथिंग रॉन्ग ना, दैट इज आई थिंक समथिंग रॉन्ग इज देयर. वी हैव टेकन हेयर पी प्लस क्यू हमारा. सी हेयर व्हाट वी ऑब्जर्व दैट, वी ऑब्जर्व दैट कि पी प्लस क्यू इज 31. पी प्लस क्यू तो 31 था और यहां हम कह रहे हैं पी प्लस क्यू माइनस 14. नहीं, ये कैसे हो सकता है? और यहां से हम कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे ना. द रीजन बिहाइंड दिस इज क्योंकि मीडियन इसका 50 था और मीडियन क्लास में 50 आया तो एल तो कैंसिल हो गया. एल कैंसिल हो गया तो क्या करता हूं मैं अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा यहां से रिवाइज करूंगा फ्रॉम हियर ऑनवर्ड, है ना. क्या कर रहे हैं, लेट अस डू सम रिवीजन इन अवर कैलकुलेशन वर्क. देखिए कैसे, यानी कई बार अगर मुझे आंसर में कुछ गलत लगने लगा है, इफ समथिंग इज रॉन्ग देयर, सो व्हाट आई विल डू, क्या करेंगे हम एक बार चेक करेंगे. क्योंकि लेट अस सी वेदर ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन में ही कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है. सो लेट अस कम टू द क्वेश्चन. ओके, तो ये तो हमने पहले से लिखा हुआ है कि यहाँ पी और क्यू ठीक है. सो नाउ ओके, सो एम इज 50. नाउ व्हाट इज 50 है, 50 सो मीडियन इज 50 इक्वल टू लोअर लिमिट 50 प्लस एन बाई टू, है ना. अभी एन बाई टू कितना है, एन बाई टू इज 45 माइनस, माइनस क्या था, स्मॉल एफ. सो स्मॉल एफ यहां पर थोड़ी सी गलती हुई हमसे लिखने में शायद, है ना. क्या था कि ये है फॉर्मूला एक्चुअली, है ना, दिस द फॉर्मूला ना. सो नाउ द फॉर्मूला इज एन बाई टू इज 45 माइनस एफ, एफ मीनिंग 25 माइनस पी डिवाइडेड बाय स्मॉल एफ विच इज 20 इंटू एच 10. सो ये कैंसिल हो गया, यहां कितना आ रहा है 20 माइनस पी इक्वल टू जीरो. सो पी इक्वल टू 20, यानी हमने अभी इसका मतलब कुछ लिखते हुए गलती कर दी थी ना, कुछ समझने में या कुछ लिखने में गलती की थी. एक बार चेक करना है कि भाई गलती कहां हुई है जो ये सब लिख बैठे थे, है ना. हमने क्या ऐसा कोई रॉन्ग एंट्री कहां किया था, क्योंकि रॉन्ग एंट्री शायद देखने में हुई है. अदरवाइज हेयर यू हैव सी हेयर, ये जो नंबर है हमारा, ये नंबर हमारा होता है कैपिटल एफ, और ठीक इसके पहले यहां पर जो नंबर आता है 20 वो स्मॉल एफ है. यानी यहां पर स्मॉल एफ 20 होगा, कैपिटल एफ जो है 25 प्लस पी. लेट मी रिमाइंड इट इसको, क्योंकि कलर के कारण थोड़ी दिक्कत आ रही होगी. सी हियर, जब भी आपको मीडियन क्लास पता लग जाए, सो इफ यू नो द मीडियन क्लास, सो क्या करना है, मीडियन क्लास के ठीक सामने चले आना है, वो हमारी फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ हो जाएगा, और ठीक उसके पहले वाले टर्म पे चले जाना, वो कैपिटल एफ हो गया. अच्छा, पी 20 जैसे ही पता लग गया तो अब मेरा क्वेश्चन कितना ईजी हो गया, बिकॉज वी नो दैट पी प्लस क्यू इज 31. सो क्यू हो जाएगा 31 माइनस पी, दैट इज 31 माइनस 20, दैट इज 11. सो क्यू हो गया 11 और पी हो गया 20. सो ये एक और क्वेश्चन था. नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप ऐसा सोच के देखिए कि आपको अगर एग्जामिनेशन में मीडियन से क्वेश्चन पूछना है कैलकुलेशन बेस, तो एक तो इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन था जिसमें हम सिंपल कैलकुलेशन कर रहे थे, एक फॉर्मूला था, टेबल में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्रिपेयर करेंगे, फॉर्मूले से वैल्यू पुट करेंगे, चलो भाई हो गया क्वेश्चन. दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये क्वेश्चन हो सकता है जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी. अब इसमें कितनी है, हाउ मेनी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आर देयर, एक्चुअली टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी आर देयर. तो हम क्वेश्चन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का भी क्वेश्चन ले सकते हैं. यानी मीडियन से अगर मैं चार क्वेश्चन कर लेता हूं, है ना, जो कैलकुलेशन के होंगे, सो दैट इज मोर देन एनफ. हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस की लिस्ट को, यानी 10 बेस्ट क्वेश्चन ऑफ स्टेटिस्टिक्स को अपलोड करेंगे जल्दी ही. सो वहां पर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ओके किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और मुझे कितना प्रिपेयर करना है. सी जब आप बुक में जाएंगे ना, लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, लेकिन एक जैसे ही अब सिंपल सा कैलकुलेशन मुझे आ गया तो एक जैसे बहुत सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है. क्या करना चाहिए आपको, जब आप स्टडी करते हैं
तो जैसे जिस बुक से आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो चेक कीजिए कि एक क्वेश्चन आपने किया उस जैसे कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अगर वो 5-6 क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, कोई एक बेस्ट क्वेश्चन पिक कर लीजिए, दैट इज मोर देन एनफ टू सॉल्व, है ना। उस एक क्वेश्चन को, मतलब उन 5 क्वेश्चन की जगह हम एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ज्यादा आइडिया रहेगा। हाँ, जहां थिंकिंग स्किल रीजनिंग, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिकल INTs है, वो अगर उसका क्वेश्चन करना है तो ज्यादा करना होगा, है ना। तो वो तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो उतना बेनिफिट होगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग द चैनल, चैनल को देखते रहिए। चैनल पे आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल्स मिलते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सही समय से इंफॉर्मेशन मिल जाए कि हमने कोई वीडियो अपलोड किया है। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।